एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शाह एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं अहम खबर शहर हैदराबाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की जानिब से मजीद 4 मुफ्त कैंप का इनेखात जेबाबाग, फसलानसर, मल्लापल्ली डिवीज़न और आसिफ नगर डिवीज़न में अमल में आया। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवेसी ने इन हेल्थ कैंप का दौरा करते हुए डॉक्टर्स से मालूमात हासिल की। बच्चों क्या कर रहे हैं मैडम? हर एक का ब्लड टेस्ट है। सलाम वालेकुम भाई जान, अभी नहीं बोल रहे मत कैंप में गुलपोश रखा कर। दराटो जी मेडिसिन भी है ना बच्चों के लिए आपके नंबर? ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। अरे मैम आज कल से नामपल्ली असेंबली में मल्लापल्ली डिवीजन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है। इसकी वजह यह है कि काफ़ी माहौल ऐसा ख़राब हो गया है कि काफ़ी लोग बुखार से परेशान हैं, डेंगू की तरफ से परेशान हैं। उसकी तरफ से सदर मोहतरम रजिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब ने उनकी हिदायत पर यह फैसला किया है कि हर डिवीज़न में फ्री मेडिकल कैंप रखा जाए, जिससे लोगों को फायदा पहुँचाया जाए और उसके तरफ से फ्री मेडिसिन दिया जा रहा है, फ्री ब्लड टेस्ट किया जा रहा है और उन लोगों की शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट काफ़ी टेस्ट यहाँ पर हो रही है और उनके रिपोर्ट व्हाट्सएप के जरिए उनको पहुँचाया जाएगा। अगर कुछ पॉजिटिव निकला रिपोर्ट तो उनको हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बहुत ही अच्छी सोच की तरफ से सदर मोहतरम ने ये कैंप रखाया गया है। ये 4 दिन हर डिवीज़न में इसी तरह से रखा जाएगा।